Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 4, Pranayam, and we have completed the definition of that word and there are some essential rules for this. Now here there are some common things regarding Pranayam. Pranayam se judi hui jo kuch common samanya si baatein wo hain ki in Pranayam inhaling is Purak, breathe retention is called Kumbhak and exhaling is called Richak. If the breath is retained inside, then it is called Antar Kumbhak. When it is retained outside, it is called Bahir Kumbhak. The proportion among Purak, Kumbhak and Richak is 1:4:2. For example, if inhaling takes 8 seconds, it should be retained for 32 seconds and exhale it in it 16 seconds. Now these are many kinds of pranayam of which some are taught in the previous classes, a few mentioned here. तो कुछ तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और कुछ यहाँ पर भी हुई हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज उज्जयी प्राणायाम। सो हियर देयर द मेथड ऑफ दिस प्राणायाम इज गिवन, लाइक सिट ऑन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, प्रेफरेबली अ मेडिटेशन आसन। कॉन्ट्रैक्ट द ग्लॉटिस एंड इनहेल थ्रू बोथ नोस्ट्रिल अप टू हार्ट। परफॉर्म जलंधर बंद, क्लोज द आईज, रिटेन द ब्रीथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल। After that, raise the neck, exhale through right nostril. The breath should not go beyond heart in Kumbhak. Repeat this pranayam 3 to 5 times. Now the benefit of that asana is elevates alignment related to throat, also removes stammering, makes the voice sweet. कि इस आसन को करने से जो throat की जितने भी गले की जितने भी परेशानियां हैं वो खत्म होती हैं, stammering जो हकलाने की problem है वो दूर होती है, इसके साथ साथ जो आवाज है वो भी मीठी होती है। नाउ नेक्स्ट इज कपालभाति प्राणायाम और शोधन क्रिया। नाउ द मेथड इज गिवन हियर, लाइक सिट इन एनी मेडिटेशन आसन, कंसंट्रेटिंग ऑन ब्रीदिंग इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स, देन एक्सहेल विद अ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। डू इट क्विकली एंड रिपीटेडली व्हाइल एक्सहेलिंग, यूज अ लिटिल फोर्स। नाउ बिगिन इट विद 10 राउंड्स, टेक टू 50 राउंड्स। Inhaling should be normal while exhaling should be forceful. Now those who suffer from hypertension and heart diseases should do it under a guidance of a trained instructor. Third one is Bhrastika Pranayam. Bhrastika means bellows of blacksmith. जैसे blacksmith होता है ना, लुहार होता है, तो वो लोहे को मारता है उसी तरह से। In this pranayam, inhaling and exhaling is done quickly like the bellows. Hence its name. जिस तरह से इसका नाम है। मेथड है मेडिटेशन आसन में बैठना है, इनहेल डीपली करना है और एक्सहेल फोर्सफुली करना है थ्रू द नोज। ब्रीथ को फिल करना है चेस्ट में और इसको क्विकली ब्लोज करना है वर्ब्स को, लिटिल साउंड भी हर्ड, उसमें कुछ आवाज भी आती है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि इस आसन को प्रैक्टिस समर में नहीं करना चाहिए और रिमूव्स अलाइनमेंट ऑफ स्टमक एंड टोन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसका बेनिफिट ये है कि पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट इज भ्रामरी प्राणायाम। सिट इन एनी मेडिटेशन आसन, किसी भी मेडिटेशन आसन में आप बैठिए। प्लग द ईयर्स विद बोथ द थम्स, दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद कीजिए, रेस्टिंग द अदर 4 फिंगर्स ऑन द फेस एंड क्लोज द आईज। बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उससे 4 फिंगर को फेस में और आंखों को बंद करने के लिए यूज करना है। ब्रीद इन थ्रू नोज एंड एक्सहेल स्लोली, गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे एक्सहेल करना है, मेकिंग अ हमिंग साउंड, हमिंग साउंड निकालते हुए, जैसे भवरों की आवाज होती है वैसा। एंड रिपीट इट 5 to 10 टाइम्स, 5 से 10 मिनट के लिए इसे रिपीट करना है। एंड द बेनिफिट ऑफ दैट आसन इज प्राणायाम इज Elevates throat alignments and thyroid problem. Thyroid की problem और जो throat का alignment होता है उनसे आराम मिलता है। Improve the voice, आवाज अच्छी होती है। Provide mental peace, मानसिक शांति मिलती है। Improves memory, it is good for meditation. और memory को improve करते हैं और ये जो आसन है प्राणायाम है वो meditation के लिए बहुत best माना जाता है। So here students, we complete our chapter number 4, Pranayam. So you know how this is very useful for us. So you have to practice it under the trained teacher or the instructor, in the guidance of instructor and teacher.
try to find the question answer of that lesson.